हेलो फ्रेंड्स, इंजीनियर की टीम आपका स्वागत करती है। आज हम एसएससी जेई 2015 में आए कुछ फ्लूइड मैकेनिक्स के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। मेरे हिसाब से और इंजीनियरिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिहाज से एफएम एक फ्लक्चुएटिव और बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। कभी इसमें 5 से 10 या कभी 20 से 25 क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। तो शुरू करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन के साथ। मोस्ट इकोनॉमिकल सर्कुलर चैनल गिव्स मैक्सिमम डिस्चार्ज व्हाइल। अब देखें तो फ्लो वेलोसिटी इज हाई, अभी हम इसके की बात नहीं करेंगे। फ्लो वेलोसिटी इज हाई, जो सर्कुलर चैनल का मैक्सिमम डिस्चार्ज होता है, मोस्ट इकोनॉमिकल सर्कुलर चैनल का मैक्सिमम डिस्चार्ज, वो वेलोसिटी पे नहीं, डेप्थ पे, डेप्थ ऑफ फ्लो पे या फ्लो डेप्थ पे डिपेंड करता है। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो गया। एरिया ऑफ फ्लो इज फुल, अगर सर्कुलर चैनल का पूरी तरह से फ्लो करेगा तो ये जो इसकी ये जो साइड्स हैं ये फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे, जिसकी वजह से फ्लो बहुत धीमा हो जाएगा और कम हो जाएगा। तो ये भी आंसर नहीं है। वेटेड पेरीमीटर इज लीस्ट, वेटेड पेरीमीटर अगर हम समझाएं तो हाइड्रोलिक मेन डेप्थ या हाइड्रोलिक रेडियस भी कहा जाता है, इसे आर भी कह सकते हैं, हाइड्रोलिक रेडियस इज इक्वल्स टू एरिया अपॉन वेटेड पेरीमीटर। अगर हम एरिया और पेरीमीटर का रिलेशन देखते हैं तो ये है पाई आर स्क्वायर और 2πr, ये दोनों कांस्टेंट है तो इसका कोई रिलेशन नहीं। अगर हम आर को 2 times बढ़ाते हैं तो एरिया 2 times का स्क्वायर मतलब 4 times बढ़ेगा, वैसे ही अगर इसको 2 times घटाएंगे तो ये 4 गुना घटेगा। अगर हम इसे 2 गुना घटाते हैं तो ये 4 गुना घटेगा, जितना ये ज़्यादा घटेगा उतना हमारा हाइड्रोलिक रेडियस घटेगा, जिसकी वजह से डिस्चार्ज कम होगा। तो ये भी नहीं हो सकता क्योंकि हमें मैक्सिमम डिस्चार्ज चाहिए। सही आंसर इसका ये है। कई सारी डेरिवेशंस के अनुसार मैक्सिमम डिस्चार्ज सर्कुलर चैनल में होता है 0.95 times डाया ऑफ द सर्कुलर चैनल। रेक्टेंगल्स और ट्रेपीजियम में, ट्रेपीजियम्स में चैनल फ्लो में 0.5 times दी डेप्थ। जब ये दोनों केसेस होंगे जब ही उन चैनल्स के थ्रू मैक्सिमम डिस्चार्ज होगा। तो अगली क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टू पाइप सिस्टम्स आर सेड टू बी इक्विवेलेंट व्हेन दे कैरी सेम डिस्चार्ज, दे आर सेटिस्फाइंग बर्नौली थ्योरम, बोथ हैव सेम हेड लॉस एंड डिस्चार्ज वैल्यूज, दे आर सेम लेंथ हैविंग सेम हेड लॉस। डिस्चार्ज सेम कैरी कर रहे हैं पर इसका मतलब ये तो नहीं कि वो इक्विवेलेंट हो जाएंगे। बर्नौली थ्योरम तो हर केस में डिफाइन करेगी, सेटिस्फाई करेगी, अगर नहीं करती तो वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का उल्लंघन होगा। बोथ हैव सेम हेड लॉस एंड डिस्चार्ज वैल्यूज, ये हो सकता है, दे आर ऑफ सेम लेंथ हैविंग हेड लॉस। इक्विवेलेंट होने का मतलब ये नहीं कि उसकी लेंथ सेम हो। तो इसका सही आंसर है हेड लॉस, मतलब 2 pipes हैं, इसका हेड लॉस एक्स है तो इसका हेड लॉस भी अगर एक्स होगा और इसका जो डिस्चार्ज है वो क्यू होगा तो इसका होगा क्यू, तो जब ये मानी जाएंगी इक्विवेलेंट, इसलिए इसका सही आंसर है सी। हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डायमेंशंस ऑफ चीजेस कांस्टेंट इज, सबसे पहले आपको चीजेस कांस्टेंट का फॉर्मूला पता होना चाहिए। ये होती है वेलोसिटी ऑफ डिस्चार्ज इज इक्वल्स टू सी चीजेस कांस्टेंट अपॉन अंडर रूट एम आई। आई होता है यहाँ स्लोप, आर को हम एम को हम आर भी लिख सकते हैं या एम से भी काम चला सकते हैं। एम होता है हाइड्रोलिक रेडियस या हाइड्रोलिक मीन डेप्थ और चीजेस कांस्टेंट। वेलोसिटी का हमें पता है कि मीटर पर सेकेंड होता है, मीटर पर सेकेंड इज इक्वल्स टू सी
कि हमें निकालनी है, इसका होता है एरिया अपॉन पेरीमीटर मतलब लेंथ, आई स्लोप है इसका कोई भी वो नहीं होता। अगर हम कैलकुलेट करें तो चीज़ कॉन्स्टेंट आएगा अंडर रूट एल अपॉन टी, जो सही है ये देखने के। कई बार ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं कि इनमें से कौन सा डायमेंशनल कॉन्स्टेंट नहीं है, उसी में चीजेस कॉन्स्टेंट डाल देगा और कई सारे ऐसे कॉन्स्टेंट डाल देगा जिनकी डायमेंशंस होती ही नहीं है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर टर्बुलेंट फ्लो थ्रू सर्कुलर पाइप्स इज, ये होता है लॉगरिथमिक। कई बच्चे इसको पैराबोलिक कराते हैं पर इसका सही आंसर है लॉगरिथमिक। विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द विस्कोसिटी ऑफ एयर एंड वाटर वेरीज, कई बच्चों को एकदम पता चल जाता है कि वाटर की विस्कोसिटी घटेगी जब टेम्परेचर बढ़ेगा, पर इसमें कन्फ्यूज़ हो जाता है कि एयर की विस्कोसिटी का क्या होगा। अगर मैं बताऊँ विस्कोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ओनली इन केस ऑफ एयर, तो इसका सही आंसर होगा विस्कोसिटी ऑफ एयर इंक्रीजेस एंड वाटर डिक्रीजेस। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। ए वेसल कंटेनिंग वाटर ऑफ डेप्थ एच इज एक्सेलरेटेड अपवर्ड विद एन एक्सेलरेशन ऑफ जी बाय टू, द प्रेशर एट द बॉटम ऑफ द वेसल इज, हमें प्रेशर निकालना है। तो मैंने पहले से ही एक बाल्टी बनाई हुई है, जिसे वेसल भी बोल सकते हैं बाल्टी भी बोल सकते हैं। तो ये हमारी अगर रेस्ट कंडीशन पे रखी हुई है तो इसके ऊपर जी एक्सेलरेशन जो ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से लगता है वो ऑटोमेटिकली इस पर लगेगा, पर ये स्टेबल रहेगी क्योंकि अपनी इक्विलिब्रियम में है। पर जैसे ही हम इसे ऊपर उठाते हैं तो बकेट तो मूव करी पर पानी उसका जो है वो इनर्शिया मतलब रेस्ट पोजीशन पे है। अगर जैसे ही हम उसे ऊपर की तरफ उठाएंगे तो नीचे की तरफ एक रिएक्शन जाएगा वाटर का, इसलिए रिएक्शन की वजह से जी बाई टू एड एक्सेलरेशन नीचे की तरफ हेड आएगा। सो हमारा प्रेशर निकालने का फॉर्मूला होता है पी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू इंटू एच, डब्ल्यू होता है रो इंटू जी, इसको हम स्पेसिफिक वेट बोलते हैं, ये होती है डेंसिटी, ये होती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड एच। अब अगर हम इसे ना छेड़ते तो ये बनता इसका प्रेशर बॉटम पे, पर अगर हमने इसे जी बाई टू एक्सेलरेशन से ऊपर खींचा है तो नीचे की तरफ रिएक्शन जाएगा, इसलिए प्लस जी बाई टू इंटू रो इंटू एच। तो अगर हम इसे इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये बनेगा थ्री बाई टू रो जी एच पी, तो इसमें से कौन सा है, ये है हमारा टी। डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर आवर वीडियोस।